झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जामताड़ा जाने के क्रम में गिरिडीह के गांड स्थित दासडी पंचायत स्थित देवंडी गांव पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होकर राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य के मूल वासियों को नौकरी देंगे और हर विभाग में राज्य के युवाओं की नियुक्ति हो जाएगी। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी वर्तमान समय में देश भर में बूथ स्तर पर संगठन मजबूती करने में लगी हुई है। 24 के चुनाव में आजसू के साथ गठबंधन भी संभव है। काम करती है, अपनी संगठन को मजबूत करते, उसे क्या दिक्कत है? हम लोग भी अपना संगठन को अभी पूरे देश में बूथ को सशक्त कर रहे हैं। पार्टी हमें लगता है गंडे विधानसभा में भी अधिकांश बूथ कमेटी बन गई होगी, कुछ बचा होगा तो वो भी लोग पूरा कर लेंगे। कार्यक्रम ही नहीं, देश व्यापी हमारी चल रहा है, पार्टी का कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। 2024 में क्या आंसू के साथ तालमेल का उम्मीद है? तालमेल जरूर होगी, हम सब लोग करेंगे। अभी तो हम लोग जितने भी चुनाव लड़े हैं उपचुनाव हम तालमेल करके ही लड़े हैं। अगर नियोजन नीति को लेकर के सरकार अभी तक राज्य सरकार हेमंत सोरेन सबको ठग रहे हैं, सबको लूट रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। इसलिए आप झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में जब सरकार